हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स होते क्या है, वो क्यों होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है और उसका इलाज कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सागर सातपुते और हम बात कर रहे हैं SLVC क्लिनिक वाशी नवी मुंबई से, जो नवी मुंबई का पहला और ओनली वैस्कुलर क्लिनिक है। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन्स ये कॉमन बीमारी है जिसमें पेशेंट को पैर की नसें फूल जाती है, पैर काला पड़ जाता है, पैर में जख्म हो जाती है, पैर में सूजन आता है या फिर पैर में दर्द होता है। तो आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स होते क्या है, इनका इलाज कैसे करना है, इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। वेरिकोज वेन्स को समझने के लिए हमें पहले बॉडी का सर्कुलेशन कैसे होता है उसको समझना जरूरी है। हार्ट से जो ब्लड पैर में जाता है वो यूज होने के बाद वेन्स के द्वारा वापस हार्ट में आता है। वेरिकोज वेन्स ये प्रॉब्लम वेन्स के रिलेटेड है, यानी कि जो ब्लड पैर से हार्ट तक आता है उन नसों में प्रॉब्लम होती है। वेन्स का काम है खून को पैर से हार्ट तक लेके जाना। इस फ्लो के लिए अपने वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स का काम ये है कि वो खून को एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हमें पता है गुरुत्वाकर्षण से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर सकती है, इसीलिए वेन्स का ब्लड नीचे ना गिरे इसलिए इसमें वॉल्व्स होते हैं। लेकिन जिनका काम ज़्यादा देर खड़े रहना या बैठना है, ऐसे पेशेंट्स में ये वॉल्व्स खराब हो जाते हैं और ब्लड हार्ट से नीचे पैर में आ जाता है। इसकी वजह से ये वेन्स फूल जाती है और पैर में सूजन आती है। वेरिकोज वेन्स के लक्षण है पैर में सूजन आना, पैर में खुजली आना, पैर का कलर धीरे धीरे चेंज होना, पैर में जख्म होना। अगर आपको ये सब लक्षण है तो आपको नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या फिर वैस्कुलर सर्जन को दिखाना है, जहाँ पे आपका बेसिक जांच होगा और ज़रूरत पड़ने पे कलर सोनोग्राफी होगा। कलर सोनोग्राफी ये एक सिंपल सी टेस्ट है जिसमें पैर की नसें यानी वेन्स के डिटेल्स एग्जामिनेशन हो जाता है। वेरिकोज वेन्स के 6 स्टेजेस होते हैं। आपके लक्षण और कलर डॉपलर में जो फाइंडिंग्स आते हैं उसके हिसाब से उसकी स्टेज डिसाइड होती है। हर एक पेशेंट का उसके स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट बदल जाता है। अब हम बात करेंगे इलाज के बारे में। वेरिकोज वेन्स के इलाज 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सर्जिकल, एक होता है नॉन सर्जिकल। डेफिनेटली हम पहले बात करेंगे नॉन सर्जिकल। अगर आपको लक्षण कम है या आप हॉस्पिटल में जल्दी आते हो और कलर डॉपलर में आपको वेरिकोज वेन्स ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको बिना सर्जरी इलाज कर सकते हो, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्टॉकिंग्स, वेट रिडक्शन, लेग एंड काफ एक्सरसाइजेस। अगर स्टॉकिंग्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज से अगर वेरिकोज वेन्स कंट्रोल में नहीं आते हैं तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले के ज़माने में इसका ओपन सर्जरी होता था जिसको स्ट्रिप लाइगेशन बोला करते थे, जिसमें बहुत बड़ा सा कट और बहुत सारे से स्टिचेस आते थे। अभी हम जो ट्रीटमेंट करते हैं जो नीडल्स के द्वारा होता है और लेज़र के द्वारा होता है। लेज़र ट्रीटमेंट में कोई पैर में कट नहीं होता है, कोई स्टिचेस नहीं होते हैं, ये नॉर्मली डे केयर प्रोसीजर होता है और हम इसको स्पाइनल एनेस्थेसिया में करते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट में पैर के फूली हुए नसों को लेज़र द्वारा बंद किया जाता है, जिसके वजह से खराब खून हार्ट से उल्टा पैर में नहीं आता है। लेज़र सर्जरी डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें कोई कट नहीं होता है, कोई स्टिच नहीं होता है। ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद आप इमीडिएटली चलना फिरना चालू कर सकते हो। आपको अगर ऐसे लक्षण है तो आप नज़दीकी वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या वैस्कुलर सर्जन से कंसल्ट कीजिए। आपके स्टेज के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सही से बताया जाएगा। ये था वेरिकोज वेन्स के बारे में शॉर्ट में विवरण। डिटेल जानकारी के लिए आप SLVC क्लिनिक पे कॉन्टैक्ट कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।